बातमी अर्थातच शिर्डीतून शिर्डीतल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांवर जोरदार टीका केली. केंद्रीय कृषी मंत्री असताना शरद पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केलं असा सवालच मोदींनी आपल्या भाषणातून विचारला. अजित पवारांसमोरच मोदींनी शरद पवारांवर टीका केली. पवार कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांना भटकावं लागत होतं असं देखील मोदी म्हणाले. आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत असल्याचं मोदी म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात शरद पवारांवर टीका केलेली आहे, निशाणा साधलेला आहे. शरद पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? केंद्रीय कृषी मंत्री असताना पवारांच्या काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले गेले नाहीत, शेतकऱ्यांना भटकावं लागत होतं अशी टीका त्यांनी केली. महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में देश कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं. वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ यह आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है. जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था. महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी. हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है. एकीकडे मोदींनी पवारांवर निशाणा साधलेला असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मात्र 2024 मोदीच पंतप्रधान होतील असं म्हटलेलं आहे, असं विश्वास व्यक्त केलेला आहे. किती रावण एकत्र आले तरी मोदींचा पराभव होणार नसल्याचं विधान एकनाथ शिंदेंनी केलं. मोदींचा पराभव अशक्य असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. 2024 पंतप्रधानपदी मोदीच विराजमान होतील असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिर्डीतल्या आपल्या भाषणात व्यक्त केलेला आहे. किती रावण एकत्र आले तरी मोदींचा पराभव नाही असं ते बोलले. जितने भी लोग रावण एक हो जाए, कितने भी इकट्ठा हो जाए, वो इंडी अलायंस क्या कुछ बना है और आपको कोई भी आपका बाला बाल बाका नहीं कर सकते. जैसे 2014 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, 2019 में ऐसे ही इकट्ठा हुए, लेकिन इस देश की जनता आपके साथ है. 2024 में भी पूरी ताकत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे. ये पत्थर की लकीर है. एक मोदी सब पे भारी.